मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम कक्षा 6 का यानी कि आपकी कक्षा का संकल्पन भाग 1 से संस्कृत विषय में कह किम करोति पाठ पढ़ेंगे। बच्चों यह पाठ हमारा केवल पढ़ने के लिए है, ओके। और कह माने कौन, किम माने क्या, करोति करता है, कौन क्या करता है, इस पाठ में हम यह जानेंगे। आइए हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। ये देखिए, मंजुषातः संज्ञा पदानि क्रिया पदानि वा चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। अर्थात नीचे दिए गए संज्ञा पदों, पद माने शब्द, संज्ञा शब्दों अथवा क्रिया पदों यानी कि क्रिया शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। हम इसकी पिक्चर यानी कि चित्र को देखकर बच्चों जानेंगे और समझेंगे और मंजुषाम से शब्द चुनकर ये रिक्त स्थान भरेंगे यानी कि फिलअप करेंगे। देखिए बच्चों, ये क्या दिखा रखा है इसमें, घोड़ा। घोड़े को संस्कृत में क्या कहते हैं, अश्व है। अश्व भी कहते हैं और क्या कहते हैं, इधर से देखते हैं, क्या देखते हैं, घोट कह। घोट कह माने होता है घोड़ा और अश्व माने भी घोड़ा। संस्कृत में घोड़े को दो नाम है, घोट कह और अश्व है। तो घोड़े के पर्यायवाची दो हो गए, घोट कह और अश्व है। अब देखिए कि घोट कह किम करोति, घोड़ा क्या करता है। अब चित्र में देखेंगे क्या कर रहा है ये, इसका कैसी पिक्चर बनी हुई है, चित्र बना हुआ है दौड़ने का। तो देखें, घोट कह तीर्वम धावती, घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरे चित्र में क्या दिखा रखा है बच्चों। ये देखिए, एक पैरट है और ये मैंगो ट्री है। तो इसमें देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। कह फलम खादती, फल कौन खाता है, कौन है ये, तोते को संस्कृत में कहते हैं शुक है। ये देखिए, ये रहा शुक है, क्योंकि हमें इसमें से संज्ञा शब्द भी लेने हैं बच्चों, और क्रिया, क्रिया यानी कि जो काम होता है वो भी करना है। तो इसके लिए तो हमने धावती चुन लिया था। ये धावती माने दौड़ना, क्रिया है ये, दौड़ने का काम हो रहा है, धावती दौड़ने का काम हो रहा है, मतलब क्रिया, क्रिया माने काम जो हो रहा है। तो क्रिया शब्द भी इसमें से लेने हैं और इसमें से संज्ञा शब्द भी लेने हैं। तो पहले में हमारा क्रिया शब्द हो गया था धावती, और दूसरे में नाउन यानी कि संज्ञा ढूंढनी है हमें कि कौन फल खाता है, कौन खा रहा है, शुक है। देखो यहाँ शुक है ले लिया, ये रहा शुक है, फलम खादती, शुक है यानी कि तोता फल खाता है। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या चुनेंगे हम। ये क्या कर रहा है भालू, देखो नाच रहा है ना, डांस कर रहा है, और संस्कृत में नृत्य करना कहते हैं। तो इसमें क्रिया हो गई, नाचने का काम हो रहा है, तो इसमें क्रिया शब्द छाटेंगे हम मंजुषाम से, मंजुषायाम से क्रिया शब्द छाटेंगे यानी कि वर्ब छाटेंगे। देखिए, भल्लुक है किम करोति, भालू क्या करता है, तो भल्लुक क्या कर रहा है, नृत्यति, नाच रहा है। भल्लुक है नृत्यति, ये कहाँ पर हमारा, ये देखिए नृत्यति, भल्लुक है नृत्यति। आगे देखते हैं ये चित्र, देखिए इसमें क्या दिखा रखा है कि कह है मधुरम गायति, मधुर कौन गाता है, ये संज्ञा शब्द चुनेंगे हम। तो कोकिल है मधुरम गायति, ये देखो कोकिल है, ये संज्ञा शब्द है हमारा। रक्षती धावती नृत्यती चलती कूदती, ये हमारी क्रिया हैं, क्रिया यानी कि जो काम होता है, और इंग्लिश में बोलेंगे वर्ब। और ये काक है, कोकिल है, बक है, शुक है, कपोत है, ये क्या है हमारे, संज्ञा शब्द है यानी कि नाउन है। नाउन माने नाम, नैसे नाम, नैसे नाउन। संज्ञा माने क्या होता है, सीधे शब्दों में हम कहें तो संज्ञा होता है नाम, किसी का भी नाम जो है संज्ञा है, इंग्लिश में बोलेंगे नाउन, ओके। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा हो गया कि कह मधुरम गायती, मधुर कौन गाता है, पता है ना बच्चों, मीठा तो कोयल ही गाती है, तो कोकिल है। पिकह भी इसका एक पर्यायवाची है, पर्यायवाची है सिनोनियम से, कोकिल है मधुरम गायती, कोयल मधुर गाती है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आइए बच्चों हम अपना पांचवा वाक्य पढ़ते हैं कि वानर है किम करोती, वानर माने बंदर, ये देखो ये बैठा है बंदर। तो वानर है शाखायम कूर्दती, शाखायम मतलब शाखाओं पर, ये जो डाल होती है इसकी पेड़ की, वृक्ष की डाल पेड़ की, कि वानर है माने बंदर शाखाओं पर कूदता है, कूर्दती कूदता है। आगे देखते हैं, कह मीनान खादती, मीन मतलब मछलियाँ, कह माने कौन, खादती खाता है, मछलियों को कौन खाता है, तो ये बक है, मीनान खादती, बक है जो है
मछलियों को खाता है। तो बकेह यानी कि बगुला मीनान खादती, मछलियों को खाता है। कुकर है किम करोती, कुत्ता क्या करता है। देखो ये कुत्ता बना रखा है, ये पिक्चर देखिए और समझिए। तो कुकर है गृहम रक्षति, कुत्ता घर की रक्षा करता है। आगे देखते हैं। कह संदेशम नयति, कौन संदेशा ले जाता है, ये कौन बना रखा है। कबूतर, और कबूतर को बोलते हैं संस्कृत में कपोत है संदेशम नयति, नयति मतलब ले जाता है। आगे देखते हैं। गज है किम करोती, ये हाथी क्या करता है। बच्चों जब गली में हाथी आता है, देखते हो कैसे चलता है, धीरे धीरे मंदम मंदम शनई शनई, धीरे धीरे हाथी की चाल होती है धीरे धीरे चलना। तो गज है किम करोती, हाथी क्या करता है। गज शनई शनई चलती, हाथी धीरे धीरे चलता है। यहाँ मंदम मंदम भी हो सकता था बच्चों, मंदम माने भी धीरे। कह प्रातः का करोती, प्रातःकाल यानी कि सुबह को, मॉर्निंग में है ना, मॉर्निंग भी कह सकते हो। तो इंग्लिश में मॉर्निंग और संस्कृत में प्रातः है, हिंदी में भी प्रातः है, सुबह भी कह सकते हैं कि सुबह के समय प्रातःकाल काऊ काऊ कौन करता है। काका मतलब काऊ काऊ, सुबह को के समय प्रातःकाल में काऊ काऊ कौन करता है। ये देखिए कौन बना रखा है, कोवा, और संस्कृत में इसको बोलेंगे काकह, इंग्लिश में क्रो। तो काकह प्रातः काका करोती, कौवा सुबह के समय या प्रातःकाल के समय काऊ काऊ करता है। आगे देखते हैं। ये देखिए बच्चों, अब हमारा ये पूरा चैप्टर हो गया है। ओके, ये मंजूषायम यानी कि इस बॉक्स में से हमें ये क्रिया शब्द भी चुने हमने इसमें से, और संज्ञा शब्द भी सुने मैंने। क्रिया आपको बताया क्या होती है, कोई भी काम का करना या होना क्रिया है, कैसे क्रिया कैसे काम। ओके, और संज्ञा क्या है, संज्ञा को बोलेंगे इंग्लिश में नाउन, नैसे नाउन नैसे नाम, और सीधी सी पहचान है किसी का भी नाम संज्ञा होती है। ओके बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर पूरा होता है, पाठ पूरा होता है, और ये केवल पढ़ने के लिए हमारा पाठ है। ओके।